हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाऊंगा कीप स्टॉपिंग का प्रॉब्लम आप चुटकियों में कैसे फिक्स कर सकते हैं। आपका फ़ोन में हो सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, यानी ये प्रॉब्लम जब भी आपका फ़ोन में आते हैं बहुत ही डिस्टर्ब फील होते हैं। तो ये प्रॉब्लम आप चुटकियों में कैसे फिक्स करें ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। हो सकते हैं आप बहुत ही वीडियोज देखा होगा फिर भी ये प्रॉब्लम आपका फ़ोन में रह गया है, तो मैं आप लोगों को जैसे दिखाऊंगा ऐसे मेरा स्टेप आप फॉलो कीजिए तो 100% ये प्रॉब्लम आपका फ़ोन से हट जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये वीडियोस देखने का बाद आपको थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ है तो वीडियोस में लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए आपका फ्रेंड के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले आपका फ़ोन में सेटिंग में आप चले जाइए। सेटिंग में चल जाने के बाद यहाँ पर नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करके चले जाइए। जाने के बाद यहाँ पर देख लीजिए ऐप्स, यहाँ पर आप ऐप्स में आप क्लिक कीजिए। ऐप्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग ले रहे हैं। उसके बाद आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके चले जाइए। नीचे स्क्रॉल करके चले जाने के बाद प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। नीचे स्क्रॉल करके चले जाने के बाद यहाँ पर देख लीजिए गूगल प्ले सर्विस, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा लोडिंग ले रहे हैं तो प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज में आप क्लिक कीजिए। स्टोरेज में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैनेज स्टोरेज में आप क्लिक कीजिए। मैनेज स्टोरेज में क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर देख लीजिए क्लियर ऑल डाटा, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर मैं अभी क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि अभी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये फ़ोन का जो स्क्रीन रिकॉर्डर है ये स्टॉप हो जाएगा। तो मैं जैसे आप लोग को देख रहा हूँ ऐसे आप कीजिए, ओके। उसके बाद आप बैक में आप चले जाइए। बैक में चल जाने के बाद यहाँ पर देख लीजिए फिर यहाँ पर थ्री डॉट या थ्री लाइन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए शूट सिस्टम एप्स, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करके चले जाइए। नीचे स्क्रॉल करके चले जाने के बाद प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, मैं आप लोग को एक फाइल दिखा रहा हूँ, ओके। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एंड्रॉइड सिस्टम, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। एंड्रॉइड सिस्टम में क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टोरेज में आप क्लिक कीजिए तो प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ पर भी थोड़ा सा लोडिंग ले रहे हैं। यहाँ पर स्टोरेज में आप क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर क्लियर डाटा में आप क्लिक कीजिए, ओके। क्लियर डाटा में क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर देख लीजिए एंड्रॉइड सिस्टम, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। एंड्रॉइड सिस्टम में क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर स्टोरेज में आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप क्लियर डाटा कीजिए तो ये मैं डिसेबल किया है, ओके। तो ये मैं राइट नाउ डिसेबल करके रखा है, ओके। तो यहाँ पर आपका फ़ोन में हो सकती है यहाँ पर डिसेबल नहीं है, ओके। उसके बाद आपका फ़ोन में क्या करना होगा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपका फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन कीजिए। तो मैं आप लोग को जैसे देख रहा हूँ ऐसे आप कीजिए, ओके। हो सकते हैं मैं क्लियर डाटा में क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्लियर डाटा में क्लिक करूँगा तो मेरा फ़ोन में जो स्क्रीन रिकॉर्डर चल रही है ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च में लिख के सर्च कीजिए, एंड्रॉइड सिस्टम लिख के सर्च कीजिए। उसके बाद ये जो एंड्रॉइड सिस्टम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर अपडेट देखेंगे तो यहाँ पर अपडेट कीजिए, अगर अपडेट आ रहा है तो अपडेट आप कीजिए। उसके बाद आपका फ़ोन यहाँ पर एक बार रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद आपका फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम है यानी कीप स्टॉपिंग का प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। जैसे कि आप लोग भी देख रहे हैं कीप स्टॉपिंग का प्रॉब्लम मेरा फ़ोन में भी नहीं आ रहा है। मैं ये प्रॉब्लम फिक्स करने के बाद देन उसके बाद मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। तो मुझे कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताना आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।